धरती माता जीवन भर हम तेरे ही गुण गाए। जितनी बार जन्म हो अपना तेरी गोद में आए। अपने गांव में पानी की नहर आई है ना, गांव वाले उसका मुहूर्त तेरे हाथों से करवाना चाहते हैं। ना बोलती है, अरे तू तो हमारी माँ है, सारे गांव की माँ है, नहर तेरे हाथों खुलेगी नहीं तो नहीं खुलेगी। हाँ कह देना माँ। पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली।
मैं तो सच्ची बात कहूंगी, ऐसा लगन किया है सुंदर चाची ने कि 10-10 कोस नाम हो गया है। आए तो क्यों न करती, मेरे कोई 10-20 बैठे हैं, भगवान ने एक ही तो बेटा दिया है। और चाची बहू तो ऐसी सुंदर आई है जिसका गांव भर में जवाब नहीं। सूरत को लेके चाटना है, कुछ गुण भी तो होना चाहिए। क्यों नहीं, भगवान ने चाहा तो गुण भी अच्छे ही होंगे। बहन मैंने तो एक बात सुनी है। क्या बताऊं, गांव वाले कहते थे। रुक क्यों गई, कहो ना, कहो। कह क्यों नहीं देती। देखो चाची तुम बुरा नहीं मानना, गांव वाले कहते हैं कि सुंदर चाची ने सुखी लाला के पास जमीन रखा के लगन किया है। हाय हाय, जमीन रखाई है, जरा मेरे सामने आकर तो कहे, दांत तोड़ कर डाल दूंगी। भगवान ने क्या नहीं दिया सुंदर चाची को, जमीन नहीं है, घर नहीं है, पैर नहीं है। क्या खूब, सुंदर चाची ने जमीन रखाई है, जमीन रखाई है। मैं कहती हूँ ये गांव वालों के पेट पे क्यों दुखता है इनका सर। जमीन रखवाई तो है, रखवाती नहीं तो लगन कैसे करती। अरे कौन नहीं रखवाता, बहू के पैर भागवान होगी तो छूट जाएगी, बहू भागवान दिखाई तो देती है। मुझे भी तो कुछ करने दे। अच्छा ले तू ही कर। अरे ये क्या किया, नई नई दुल्हन और सब गहना पाता उतार दिया। अरे अपना नहीं तो कुछ मेरा तो ख्याल किया होता, अभी तो मैंने तुझे बराबर देखा भी नहीं था। ले पहन ले, इनको बेच डालो। काहे को बेच डालो, थोड़ा बहुत बोझ हल्का हो जाएगा। बोझ कैसा, माँ ने जमीन गिरवी रखी है ना। एकदम झूठ, सब गांव वाले ऐसे ही दिलगी करते हैं, और अगर रखी भी है तो क्या हुआ, चार फसल में सब पैसा लाला के मुंह पर खींच मारूंगा। अल्लाह हाथला छोड़ो मेरा, देखो माँ देख लेगी, छोड़ो ना। देख लेगी तो क्या हुआ, शर्म नहीं आएगी। शर्म रही इस टोकरी में, भगवान करे माँ आ जाए। आने दे। मेरी कसम कितने अच्छे लगते हैं तेरे हाथ में। भगवान करे तुम्हारे देखने को ये सदा मेरे हाथों में रहे। शामों के होते रहेंगे क्यों नहीं, फिर मैं गहना रोज उतार दिया करूंगी। क्यों, जिसमें तुम पहनाया करो। जरूर जरूर। शर्म कहीं का, क्या गांव में तू ही ने एक अनोखा लगन किया है। कोई देखेगा तो क्या थूकेगा तेरे मुंह पर, ना दीजे नजर आए। और बहू तू भी, अभी क्या बोलूं, पर उसका क्या दोष, ये सामू का बाप भी ऐसा ही था। और मजा देखो, अरे पहले चूल्हे में आग तो जला, पका क्या रही है अपना सर। अरे अरे नीचे गिरा दी बहू, सुन बहू बहुत तक घुसने देना उसे। अरे बंद कर, दो कौड़ी का हो जाएगा। कमला रानी जरा संभल के चला कर, कहीं पैर न फिसल जाए। सुखी लाला, ये मर्द का नहीं औरत का पैर है। चलो भौजी। लो बहू को बुरा लग गया। अरे मैं तो गगरी को कह रहा था, मिट्टी की है, कहीं फूट न जाए।
जब तक तुम जिंदा रहोगे गांव में तांबे की गड़ी किसके सर पर रह सकती है। अरे मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे सिरों पे सोने की गगड़ी चमके, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं, भलाई का जमाने ही नहीं। चलो ना भौजी, चलो ना। अरे तालाब पे जाके खुला करके आओ, मुँह से बात आ रही है। क्यों इसके मुँह लगती ये है? कौन है तो गाँव का बनिया पर नजर का बड़ा मेला है। रोटी लेकर साथ ही चलना। राधा तो आ गई, शाम की राधा आ गई, पर राधा तू तो देर बहुत कर देती है। अच्छा अच्छा चला आ, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। राधा मेरा ख्याल है कल सुबह से ही तू मेरे साथ आ जाया कर। और खाना? अरे खाने वाने की फिक्र मत किया कर, 100 खाने का तो तू ये खाना है। अरे वाह क्या बात है, गंगा कसम कितना मजा है तेरे हाथ में राधा। नमक कमती तो नहीं? ओहो फिर वही बात। अरे नमक कमती जाती की तू बात ही मत किया कर राधा, खाना पका कर बस तू हाथ लगा दिया कर, सब नमक ही नमक हो जाएगा। तुझे खबर नहीं कितना नमक है तेरे हाथ में। किधर है नमक देखो? किधर है? अरे बाप रे, गांव भर का नमक सब तुझ में ही आ गया राधा, गंगा कसम। देखो 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 है? 2 दिन में ही मेहंदी छूट गई। तो क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं। देख राधा तू समझती नहीं है। अरे राधा नई दुल्हन को इतना काम नहीं करना चाहिए, मुझे दुख होता है ना। नई दुल्हन? लगन किए 2 दिन तो हो गए हैं। अरे तो कौन से 2 बरस हो गए हैं राधा, 2-4 महीने तो जरा चमक दमक दिखा ले, फिर मौका नहीं आने का। जरा जलने दे गांव वाली बहुओं को। अच्छा दूर बैठो, कोई देख लेगा। अरे कोई नहीं देखेगा, छोड़ो ना। ओहो कोई नहीं देखेगा, छोड़ो ना। ओहो ये बड़ी मुसीबत है राधा, घर में माँ का डर, बाहर दुनिया का डर, अरे बाबा कोई चोरी कर रहे हैं, और बरस भर बाद बच्चों की चैं पैं, ये भी कोई बात है राधा? तुम अभी से क्यों हिसाब लगाने लगे? भगवान जब वो दिन लाएगा। लाएगा क्या मतलब? जरूर लाएगा। देख राधा अपनी 25 बीघे जमीन है, 4 हल बिना काम नहीं चलेगा, बस 4 फसल में 4 लड़के हट्टे कट्टे चाहिए, हल पीछे 1। अच्छा शंभू। तो कर प्यार न डर, बीती उम्र आएगी ना कल, अरे पागल अरे पागल। मतवाला किया डोले पिया धूम में घटा छाए रे पागल। करना है तो कर प्यार न डर, बीती उम्र आएगी ना कल, अरे पागल अरे पागल। मतवाला किया अरे किया हो जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, हंस ले जरा गाले अरे हंस ले जरा गाले। सावन है जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, अरे हंस ले जरा गाले। तो कर प्यार न डर, बीती उम्र आएगी ना कल, अरे पागल अरे पागल। मतवाला जिया अरे जिया हो। दिल तेरा दीवाना, मेरी अखियां भी
की दीवानी, कुछ दे दे निशानी, अरे कुछ दे दे निशानी। दिल तेरा दीवाना, मेरी अखियां भी दीवानी, अरे कुछ दे दे निशानी। दुनिया है बड़ी जादू भरी, मेरी गली साथ मेरे चल। दुनिया है बड़ी जादू भरी, मेरी गली साथ मेरे चल। करना है तो कर प्यार, न डर, बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल, मतवाला की क्या हुआ? लो और लो, आज मैं बहुत खुश हूँ। ले मंगलुआ, अरे आगे आ, जल्दी से आ, जल्दी से आ। ये ले, क्या जुलूम है सामू, ये क्या अंधेर है, ये क्या अंधेर है। अरे ला ला लो, जरा धीरज से सामू, जरा धीरज से बेटा, तुम्हारे हुआ है कुछ सुखी लाला के नहीं हुआ है, जरा हाथ रोक के। अरे चल चल, तुझे क्या बता, बेटा पैदा होने का क्या मजा होता है। इजलू सुहा, इजलू तू भी आती, ए चाची, अरे तेरी यहां जल्दी चला है कि फटा बाप भतीजा पैदा हुआ है, बधाई तो दो। अरे चाची, तुम्हें बधाई की पड़ी है और मेरा दिवाला निकला जा रहा है, ये देख लो, सारी ज्वारी का सत्यानाश के दे रहा है। अगर इसे लूटा नहीं है तो अपने हिस्से का लुटाए, मेरे हिस्से में क्यों हाथ लगा रहा है, है? किसका हिस्सा है लाला? ओ चाची, तुम तो भूल जाती हो, तीन हिस्से मेरे है ना। तीन हिस्से? फिर तीन हिस्से मेरे है कि तेरे? मेरे। झूठ बोलता है, कोई अंधेर है, कोई लूट पड़ी है, जो जी चाहे लिखा कर अंगूठा लगवा लेना। क्या है? मैं पंचायत बुलवाऊंगा। आइयो, जरा सोच समझ के फैसला करना, जीने मरने में मैं ही काम आता हूँ सबके, अब करो फैसला। जब तक असल रकम 500 रुपया पूरी अदा नहीं हो जाएगी, तब तक मैं अपनी ज्वार और कपास की फसल का 3 हिस्सा सूद का चुकाऊंगी। सुन लिया पंचो? अब ये चाची के अंगूठे का निशान, चाची अब पंचो के सामने उठा लो गंगा जली, ये अंगूठा तुम्हारा नहीं है। मैं क्या जानू तूने उलट पुलट क्या लिखा, जवान की बात कर, मैं तो जवान को जानती हूँ। तूने नहीं कहा था कि फसल पर 3 हिस्से तुम्हारे और 1 हिस्सा मेरे सूद का? काका, चाची के सफेद बाल देख के मैंने तो कब्जा गिरो भी नहीं लिखाया, 500 की रकम एकदम आगे बढ़ा दिया, मुझसे थैली एक बार में उठी भी नहीं थी। अब अगर तुम लोग मेरा गर्दन काटोगे तो मैं तो सीधे अदालत में जाऊंगा। अदालत से कौन डरता है निज्जस कहीं के, अदालत में इतना अंधेर नहीं, उल्टी जेल तुझे हो जाएगी तुझे। सुन लो पंचो, सुन लो काका, ये मुझे जेल कराएगा। अरे सामू, अगर पुलिस लाके सारी जमीन पे कब्जा नहीं लिया तो ये मूछ नहीं समझना, मूछ। नहीं नहीं, हमारे गांव में कभी पुलिस नहीं आएगी, यहीं यहीं निकाल करो। तुम क्या बोलते हो काका? हमारे गांव में पुलिस कभी नहीं आएगी। हैं? तो तुम ही फैसला करो। हाँ बोलो पंचो, तुम्हारी क्या राय है? लिखा है तो देना ही पड़ेगा। हुई धर्म की बात काका। काका एक करा जाओ, लगे हाथ सामू का भी अंगूठा इस पर लगवा दो, नहीं तो काका ये बुढ़िया का कहाँ भरोसा, आज है कल लुढ़क गई तो। अरे लुढ़केगा तू और तेरे होते सोते, मैं तो तेरी चिता ठंडी कर कर जाऊंगी। पंचों को दबा कर अपने तरफ फैसला कर लिया, मेरे बच्चों का पेट कैसा भगवान करेगा तो फूट फूट कर निकलेगा, मेरे होते हुए सामू अंगूठा नहीं लगाएगा। जो दरिया कटती जाए रे, उमरिया घटती जाए रे।
काम कठिन है जीवन थोड़ा, काम कठिन है रे, काम कठिन है जीवन थोड़ा, पगला मन घबराए जो दरिया कटती जाए रे, उमरिया घटती जाए रे। दुख दर्द सहे बन जा रे भैया, धूप में देखे तारे, दिन रात बहाए पसीना, हम कुछ हाथ ना आए हमारे, कुछ हाथ ना आए हमारे, हमरी सारी मेहनत माया, ठगवा ठग ले जाए जो दरिया कटती जाए रे, उमरिया घटती जाए रे। धरती पे कितने बारह मासे बीत गए रे आके रामा, बीत गए रे आके, दुनिया के लिए है लीला तेरी, हमरे भाग में फाके रामा, हमरे भाग में फाके, कागज हो तो बाच लू रामा, भाग न बाचो जाए जो दरिया कटती जाए रे, उमरिया घटती जाए रे। संसार में तेरे लूट मची और जान के पड़ गए लाले, और जान के पड़ गए लाले, अब रोक जन्म की चक्की रे, अब रोक जन्म की चक्की रे, संसार चलाने वाले, संसार चलाने वाले, काल पड़ा है रोटी का, और दुनिया बढ़ती जाए जो दरिया कटती जाए रे, उमरिया घटती जाए रे। गिल्ली और बना के दे दूंगा भाई, नाराज क्यों होता है? दे रहा हूं इसको। अरे हाय हाय हाय, ये क्या लूट मची है, है? अभी सुखी लाला का हिस्सा कहाँ मिला है? चले आए नथू खेरू हराम का लेने के लिए, फेंक इसे, फेंक। दे दे गिल्ली का। बाप शेर तो बेटा सवा शेर, भतीजे इसमें चचा का भी हिस्सा है। तुमने कौन सा हल चलाए? अरे बेटा मैंने तुम्हारे बाप की जिंदगी में 500 रुपए का हल चलाया है, मालूम? ला ले जरा। क्या? तुम चोर है? ओए, मैं चोर हूँ? ओए, मैं चोर हूँ? तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है। दूर हटा इसे, दूर हटा। देख, अगर लाला के मन में बात लग गई तो बहुत बुरी हो जाएगी। देखो ये बिट्टू क्या कर रहा है, इसे रोको ना। ठीक है कोई बात नहीं, चलो। अरे 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 अरे, मेरी 5.5 रुपए की छतरी। अरे सामू, गंगा कसम याद रखना, ये 5.5 रुपए भी हिसाब में जोड़ दूंगा। देखो देखो, सत्यानाश कर दिया मेरी छतरी का। अरे मेरी छतरी, मेरी छतरी, मेरी छतरी, छूटी छतरी वापस कर रही हो? मैंने 5.5 रुपए हिसाब में जोड़ लिए, याद रखना सामू। अरे अरे सामू, ये तेरा बिरजू आज मुझे धारिया से मारने वाला था। दादी झूठ बोलती है, दादी झूठ बोलती है, मैं रामू को मारने वाला था। रामू को क्यों मारने वाला था? वो गुरु चुराने बोलता था, हमने नहीं चुराया था, इसने चुराया था। काय को? अबे बैठ, काय को बैठे। अरे ये शैतान है, शैतान। दादी मैं शैतान नहीं बोला। Thank you.
चूहा, उसके थे सात दुम। दादी झूठ मत बोलो, चूहा सात दुम नहीं होता है, एक दुम होता है। अरे झूठ तो बोल दी, मैं तेरे को शेम की गाली दूंगा। अच्छा अच्छा दादी, वो खेल है ना, मैं उसका घड़ा दबा दिया, फिर मैं तलवार लगड़ा तो फिर मैं घोड़े के ऊपर बैठा, घोड़े के ऊपर बैठ के मैं भागता हूँ, भाग के फिर वो एक शेर मिल जाता मेरे को, मैं उसको ऐसा गोल में लेके जा, मैं घर में जाता हूँ, लेके जाता फिर उसको ऐसा आते आते प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ फिर वो शेर मर जाता, घोड़े ने मारता था, फिर मैं दूसरे एक शेर को लाता, उसको मैं दूसरे घर में रख देता, मैं ला के देता हूँ, फिर एक चूहा आता आते आते चल के मैं उसको चाकू से मार डालता। स्कूल मत बंद जाओ, जल्दी लिखो। राम राम पंडित जी। राम राम। अच्छा छोटे को भी ले आई, ये तुमने बहुत अच्छा किया। सब लोग बोलते हैं कि पढ़ लिख के आदमी कुछ कच्चे दिल का हो जाता है। अरे कौन कहता है, मैं कोई कच्चे दिल का हूँ? पंडित जी जरा संभाल के पढ़ाना, नहीं तो यही तुमको पढ़ा देगा। अरे चिंता न करो कमला बेटी, पंडित ललिता प्रसाद ने बड़े बड़े शैतान सीधे किए हैं। बस पंडित जी इतनी चोपड़ियाँ पढ़ा दो कि बड़ा होकर सुखी लाला के सारे चोपड़े पढ़ डाले। सुखी लाला के चोपड़े तो अंग्रेज गवर्नमेंट भी नहीं पढ़ सकती। मैं पढ़ूंगा। जा 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 जा, अपनी जगह बैठ, मैं मुर्गा बना दूंगा। पंडित जी मेरे बिरजू को मुर्गा और गन ही बनाना। ना बेटी, बिना मुर्गा बने विद्या नहीं आती, कोई 250 बार तो मैं मुर्गा बना हूँ तब जाके इतनी विद्या आई है। हाँ हाँ राधा, मुर्गा बनना तो बहुत जरूरी है। अच्छा हुआ हम तुम नहीं पढ़े, नहीं तो ये हमें भी मुर्गा बना देता। बिरजो तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अपनी जगह बैठ जाओ, चल। क्या बिरजा मालूम है? क्या मालूम है? चल 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 अपनी जगह, चल बस। मेरा भाई को काय को मार दियो। चला वहाँ से बड़ा भाई वाला, तू मुर्गा बन, पहले तू मुर्गा बन, बन मुर्गा, बन, बन मुर्गा, बन। ए, छोड़ दे पुलिस, छोड़। आज सुबह तक बंधा रही घर, बदमाश कहीं का। सुन बहू, अगर तूने उसे खाना दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं, किसी को डंडा मार दिया, किसी की पगड़ी उछाल दिया, पत्थर मार दिया, ये क्या? डंडा मामा दूर के पकाए भूर के आपका थाली में दादी दिए, थाली में दादी गई मल, बाबा गया डल। दादी दादी तेरा पेट भर जाएगा। तू भूखा सू किधर? इमाम है चल नहीं। तेरी माँ तेरे को खाना देगी। सुन बहू, अगर तूने इसे खाना दिया तो इसकी जगह तुझे बांध दूंगी। सुन ले कान खोल कर। कान खोल के सुन ले। मेरी माँ मेरे को खाना देगी। नहीं नहीं बहू, तू मेरे पांव छोड़ दे, उसे खोल दे। किसे? उसे मेरे बाप को। रहने दो थोड़ी देर। नहीं बाबा, भूखा होगा, इतनी रात गई। जा जा उसे खाना दे दे। दे दूंगी, जल्दी काहे की। हे भगवान, तू कैसी माँ है, तेरी जगह मैं होती तो कब से खिला भी चुकी होती। वो तो खा रहा है। खा रहा है? तू मेरे पूछे बगैर उसे खाना दे दी, क्या मैं मर गई थी? दादी कब मरेगी?
बीजू मेरा टीजू चल चल हवा का इधर लड़के का नाम है तो मैं सच बता दूं तो मेरा नाम है रूपा रूपा अरे बच्चा लड़की के हाथ से चला छीन के भाग रहा है दिन दहाड़े लूट मचाए हुए चाची अरे दे दे ले, ले, चलो चलो मुझे कुछ बात करनी है थोड़ा सा गुड़ दे दो ले भाई ले 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 आओ आओ नहीं हाँ बोलो हुकुम करो जवारी कटने में महीने डेढ़ महीने की देर है बस एक मन जवारी दे दो घर में खाने को बिल्कुल नहीं तो चाची अब तुम लाला को खा जाओ बस फुर्सत हो जाए गंगा कसम मैं तो तुम्हें उधार दे दे के तंग आ गया जो दिया है उसका तो नाम नहीं लेती और तीन हिस्से फसल के नहीं लेते हो लाला हाय चाची वो तो ब्याज में चली जाती है ना असल तो वही का वही धरा हुआ है तो क्या बच्चे भूखे मरे अच्छा बाबा बच्चे भूखे ना मरे लाओ क्या लाइयो रखाने को बोलो रखाने को लाला मेरा भरोसा नहीं है भरोसे की बात अलग है चाची ऐसे तुम शेर आज शेर ज्वारी मांगो गंगा कसम लाला के माथे पर बल नहीं आएगा लेकिन मन डेढ़ मन ज्वारी तो बुरा नहीं मानना चाची आखिर मैं भी धंधा करने बैठा हूँ अपना भी पेट है ये देखो बिना माँ की बच्ची है घर में मैं तुम ही बोलो इसके लिए भी कुछ जोड़ना होगा अरे और कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो बहू के पास जेवर तो है खबरदार उसका नाम ना लेना अच्छा उसका नाम नहीं लूंगा छोड़ो घर में पीतल तांबे के बर्तन है कुछ बर्तन हाँ नाना बर्तन ले आओ रामू जा अपनी माँ से बोल घर के बर्तन दे इसके माथे पर मारने के लिए अरे बिरजू नहीं देगा ना तो बाबा भूखा रहेगा रामू भूखा रहेगा दादी भूखी रहेगी जाओ नीचे आके रोटी खा लो मैं नहीं खाऊंगा तू खा ले जरा देर हो गई कंडे जली नहीं रहे थे अरे ले आई होगी कहीं से भीख मांग के नहीं नहीं ऐसा क्या कहते हो क्यों ना कहूं अरे मैं तो कहता हूं तुझे ये रोटी लाना ही नहीं था पर तुम भूखे जो रह जाते कोई बात नहीं जरा भगवान को शर्म तो आती कि जन्म देने को अच्छे और रोटी देने को टाले वाले ऐसा क्या कहते हो लो रोटी खा लो अच्छा तो बर्तन भी पहुंच गया लाला के कलेजे में मैंने एक उपाय सोचा है अपनी वो जमीन है ना वो 5 बीघा जमीन वो तो बेकार पड़ी है उसमें खाली घास होता है उसे हम लोग तोड़े उसमें अनाज बोएं उस पे लाला का कोई हक नहीं अरे उस जमीन को तोड़ना कोई हंसी ठट्टा है आधी जमीन में तो पत्थर और आधी जमीन में ये मोटी मोटी जड़े मेरे बैल 2 दिन में मर जाएंगे बैल तो पीछे मरेंगे लाला हमें पहले ही मार डालेगा मैं तो कल से ही शुरू करती हूँ जमीन तोड़ने का काम मैंने तुझसे पहले ही कहा था इसमें पत्थर ही पत्थर है लाला
बैल क्या मर गया तू ऐसा भड़क गया? अरे 100-150 रुपए की क्या बात, लाला कुछ मरने गए हैं? और चाची सुखी लाला का तो ऐसा कौल है कि जो मनुष्य मनुष्य के काम नहीं आए तो गोली मार दूं गंगा कसम। चाची तू चुप रह मामा, इस वक्त लाला चले जाओगे तो खैर नहीं है तुम्हारी। कौन अपराध किया है लाला ने? लाला कोई चोर है, डाकू है? चाची अच्छा ही हुआ किसी ने देखा नहीं। सामू कल के लिए तैयार रहना, खेत मकान जमीन बैल बदिया सब कुड़ुक नहीं करा लिया तो सुखी लाला नहीं भंगी कहना, लंगोटी बनवा दूंगा लंगोटी। अबे ए चूहे पकड़ी देना। बाप चूहा लगा कहेगा, लगा कहेगा। अबे ला मेरी पकड़ी। अबे ए चूहे बाप चूहा पकड़ी पकड़ी। दे दे बेचू लूंगा। कोई बात नहीं चाची, सब देख रही हो ना, इसे ले जा रहा हूँ याद रखने के लिए। हाँ मैं कहती हूँ हथियार ये सुखी लाला के संग ऐसा बर्ताव करेगा तो कैसे काम चलेगा? पर लाला कोई भगवान नहीं है। भगवान नहीं है तो दूसरा बैल लाकर बांध अपने भगवान के घर से। मैं क्या मुँह लेकर सुखी लाला से पैसे मांगू? कोई जरूरत नहीं है सुखी लाला से पैसे मांगने की, जैसे बैल मर गया है सारे घर भर को मर जाने देना। मर जाने दे, बड़ी नाक है तो आज खाना भी ना खाना, ये खाना भी उसके पैसों का। ऐसे खाने को तो मार लगा दूंगा। हट जाओ, हट जाओ, छोड़ दे, छोड़ छोड़ मेरे बच्चे को, छोड़ दे ये खाना, बच्चे नहीं खाएंगे, छोड़ मेरे बच्चे को। इनके बैल ले आओ। शाबाश 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 शाबाश।
भगवान न करे। अच्छा होता कि मैं मर जाता। कैसी बातें कर रहे हो? राधा, ऐसे जीने से क्या फायदा? ऐसा न कहो, तुम्हारी छाया में मैं कड़ी से कड़ी धूप सहन कर लूंगी। भगवान के लिए ऐसा न कहो। मामा मेरे बीड़ी। ला बेटे। बाबा मेरे बीड़ी पियो। ला जी। है? बीड़ी पीता है? बेटे, बच्चे बीड़ी नहीं पीते। छूट दो धुआं। शाबाश, अब कभी मत पीना। कभी भी नहीं पीगा बाबा। तू अच्छा बेटा। लो पापा पियो। बाबा, बीड़ी बना के लाके दूंगा, पिलाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं। अरे बहू, दादी आता हूँ तेरे साथ। माँ दादी बनाती है। माँ माँ दादी बनाती है। माँ ठहरो, माँ ठहरो, मैं उतार देता हूँ। सामू भैया, ये काहे को बैलों को गंदा पानी पिला रहा है? ज्वाला से ले चलो बैलों को अपने कुएं पर, साफ पानी पिलाओ। नहीं लाला, ऐसा ना करो। काहे को ना करूं भैया? और फिर अब इन बैलों को लेके तू करेगा भी क्या? कल पंचायत में तो जमीन लिखनी पड़ेगी। और भैया, लाला का पैसा कोई हराम का था? लाला, सुखी नहीं रहोगे। छोटे छोटे बच्चों की हाय ना ले लाला। मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। हाथ नहीं पर शर्म नहीं आती तुझे? बच्चे भूखो मरते हैं और तू औरत की खा जा रहा है दोनों जून बैठे बैठे पसेरी पर। लाला, अरे बेशरम, मुंह काला करके गांव के चौक पर बैठ जाना। ऐसे ही प्राण प्यारा है तो टुकड़े मांग कर जिंदगी बिता कुत्तों की तरह। ज्वाला सिंह, मुंह क्या देखता है? ले ले बैल। खबरदार, नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा तुझे मैं अपने बैल। बांधे लाला के गले में घंटी, बना दे लाला का बैल। ज्वाला सिंह, मैं तो भूल ही गया था कि घंटी बांधे सामू भैया के गले में। हाय 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 हाय। ये भी लाला के पहुंचा दे। शर्म नहीं आती है? बच्चे भूखों मरते हैं और तू औरत की खाए जा रहा है दोनों जून बैठे बैठे पसेरी। अरे बेशरम, ऐसे ही प्राण प्यारा है तो टुकड़े मांगकर जिंदगी बिता कुत्तों की तरह।
जानती थी, अरे गली से जानती थी। अरे क्या जानती थी? उनका जूता भी नहीं है, उनका कंबल भी नहीं है। मैं जानती थी माँ, मैं गली से जानती थी। तेरा ठेका? मेरा साबुन चला गया। नहीं माँ, नहीं, नहीं। क्या हुआ लाली? दर्शन के दो भूखे नैना
लड्डू खिलाओ और जिंदों को फूको मारो। यही संसार की रीत है। राधा रानी, ए राधा रानी, धिक्कार है लाला तुम्हारे ऊपर। 20 बीघे जमीन ले ली, बैल ले लिए, अभी क्या अपना मुर्दा लेने आए हो? वो 5 बीघे रह गए हैं, उस पर भी दांत लगाए हो। अरे लाला, मरते वक्त कुत्ते का मुंह होगा, कुत्ते का। ओहो, तो कोई बात नहीं, कुत्ता भी तो भगवान की बनाई हुई एक वस्तु है। मतलब बोलो मतलब। पैसा, पैसा तो अभी उसके पास नहीं है। अरे मैं तो सबको पालने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनो कमला रानी, मेरी बात को समझो। तुम उसे समझाओ कि सामू तो मुंह काला करके भाग गया, मगर सुखी लाला अभी जिंदा है, सब कुछ संभाल लेंगे। 20 बीघा जमीन भी ले लो, बैल भी ले लो, और जो पैसे बाकी हैं वो भी समझ लेंगे। राधा रानी, जैसे बैल वापस किए हैं वैसे ही वट से फसल पर पैसे भी चुका देना, और क्या, सौदा नहीं मंजूर तो ना सही। राधा के दाम न लगाओ लाला, वो मरते दम तक भी इज्जत का सौदा नहीं करेगी। राधा के दाम, उसके बच्चे, फसल पर पैसे ले जाना, चले जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा,
आगे मत भाग जा। माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी पकाना। बस अभी पक जाती है चाय, मैं खूब जोर की आग जला देती हूँ। हाँ बेटा। माँ तो मुन्ना उंगली भी न चुकता। राधा रानी, ओ राधा रानी, तुमने फसल पर बुलाया था ना, तो मैंने कहा चलूं राधा रानी से अपना हिस्सा ले आऊं, और अभी नहीं आता तो तुम कहती कि फसल पर नहीं आए। राम राम, आखिर मारी डाला? भगवान कसम मुझे तो बड़ी दया आती है इन बच्चों पर। लो बेटा चना खाओगे? मैं तेरा चना नहीं खाऊंगा, मेरी माँ खाना पका रही हुआ खाऊंगा। माँ बहुत भूख लगी है, माँ बहुत भूख लगी है। मैं तो कुछ नहीं। खाना पक गया बेटा, पक गया। राम अरे ये कैसा जुलुम कर रही हो तुम छोटे छोटे बच्चों पर। क्या करूं, मेरा मन ही ऐसा है कि किसी का दुख नहीं देखा जाता। ले बेटा तू ले ले। हाँ, खा। फेंक दे चले राम, फेंक दे चले। अरे तुम कैसी माँ हो राधा, तू खा ले बेटा, खा ले, ले और ले, इस हाथ में मिलने आशा बस, खा ले खा ले खा ले। बच्चू फेंक दे चले, फेंक दे। बिरजू तुझे माँ चाहिए या चने? हाय हाय हाय, माँ बेटे सब भयानक हैं। सवेरे तक तबीयत ठिकाने हो जाएगी। राधा सुखी लाला बहुत सबर वाले आदमी है, जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो एक बार फिर मेरी बात पर विचार कर लेना। हाँ हाँ, बिरजू 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 बेटा, बिरजू चले देखे, चले दो। धन्य हो देवी, राधा रानी के चरण और लाला का घर, धन्य भाग धन्य भाग। चलिए आओ अंदर, आओ आओ अंदर आओ। मेरे बच्चे भूखे, मुझे खाना दे लाला, मुझे खाना दे, मुझे खाना दे लाला, मुझे खाना। बच्चे भूखे। समझ गया समझ गया। गले तो क्या, पांव तक सोना पहनाएंगे लाला अपनी राधा को, भगवान कृपा से।
चिंता न करो रानी, दयालु का जो हाथ पकड़ेगा वो सदा सुखी रहेगा। सुखी लाला अगर कुत्ता भी पालेंगे तो उसके गले में सोने की जंजीर डालेंगे, सोने की। राम कसम, लक्ष्मी लगती हो लक्ष्मी। आओ। लक्ष्मी लगती हूँ देवी, राधा के रूप में आते हुए लाज ना आई। मेरे रूप में आई हो तो अपनी लाज लुटते हुए भी देख लो। हंसो नहीं, हंसो नहीं, संसार का भार उठा लोगे देवी, ममता का बोझ न उठाया जाएगा। मां बनकर देखो, तुम्हारे पांव भी टकमगा जाएंगे। देवी यहां से नहीं जाएगी। खबरदार राधा, छोड़ दो, देवी ने तुम्हें धन दिया है और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन। स्थान पर बैठकर तमाशा देखना आसान पर खुद तमाशा बनकर जीवन बिताना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं देवी को बताऊंगी कि एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहाँ तक गिर सकती, कहाँ तक गिर सकती। देवी शक्ति नहीं दे सकती, देवी तो लाज ले लो, लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती देवी। सोच लो, सोच लो देवी। वो आएंगे, वो जिंदा है। राधा, इस शरीर रहने वाला थोड़ा है, ये नहीं रहने वाला है। राधा, औरत का धर्म तो ममता है, ममता। अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आ गई, नहीं तो तुम्हारे चांद जैसे बच्चे मर जाते। आओ, आओ। मेरे बच्चे नहीं मरेंगे, देवी ने मेरा सुहाग लौटा दिया, मेरे बच्चे भी दे देगी, जरूर दे देगी। हाँ हाँ राधा, जरूर दे देगी देवी, सुहाग भी देगी, बच्चे भी देगी, मगर सुखी लाला के हाथ में देगी, सुखी लाला के हाथ में। भौजी, तुम नहीं जाओगी क्या? सारा गांव जा रहा है। नहीं भौजी, मैं नहीं जाऊंगी। तो क्या यही भूखों मरने का इरादा है? अभी इस खेत में कुछ नहीं होने वाला है दो बरस तक। मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी भौजी, अगर वो आ गए तो। Okay.
सारे दिन बीते रे भैया तब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे दुख भरे दिन बीते रे भैया तब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया बीते रे भैया गिर के आई खेड़ ले गोरी मन की बिना झिम झिम दूत छाई हो खेड़ ले गोरी मन की बिना रिम झिम दूत छाई गिर के आई हो प्रेम की चादर लाए रे बदर बेचल मोरटिया होए कर लाए रे पदर पे कल मोर जिया होए दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया बीते रे भैया भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे ओए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया बीते रे भैया सावन के संग आए जवानी सावन के संग जाए ओ सावन के संग आए जवानी सावन के संग जाए मन बगाए हो हो आज तो जी भर नाच ले पागल कल न जाने रे क्या होए आज तो जी भर नाच ले पागल कल न जाने रे क्या होए दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे ओए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया बीते रे भैया दुख भरे दिन बीते रे भैया ओ अरे वाह राधा तुमने तो गांव का जैसे रूप है बदल दिया है सच्ची बोलता हूँ 20 साल से ऐसी फसल देखा न सुना अब की मालूम पड़ता है कि जैसे फसल जमीन से नहीं आसमान से बरसी हो तो घबराते क्यों हो लाला तुम्हारे लिए तुम्हारे 3 हिस्से अलग रखवा दिए हैं अच्छा जाओ ले लो अच्छा ज्वाला सिंह हमारे पहाड़ सिंह चलो गाड़ी फरवा बिरजू बेटा कैसी तबीयत है जरा हट जा बेटा ये मेरे हिस्से की ज्वारी है ना लाला पहले हिसाब दिखा फिर मेरी ज्वारी पे नजर डालना अच्छा तो तू हिसाब देखेगा हैं अब सुखी लाला के ये दिन आ गए बेटा कि हिसाब दिखाना पड़ेगा सुन लो भाइयों बिरजू अब सुखी लाला का हिसाब देखेगा अरे बेटा तेरे बाप ने हिसाब नहीं देखा तो तू क्या देखेगा बाप का हिसाब बेटा देखेगा देख ले भैया हिसाब दिखाओ ए हट जा
फसल नहीं लेने दूंगा। हमने बैल बनकर जमीन घोड़ी है, अपने पसीने से खेत सींचे हैं, भूखे पेट रहकर ये फसल पैदा की। इस फसल से हमारा पेट नहीं भरेगा तो मैं इस फसल को आग लगा दूंगा। बिजो, नहीं बिजो। तो बोल इसको, मुझे हिसाब दिखाए। यार तुझे हिसाब देखना है ना, ये लेती सुंदर चाची, ए ले, ए ले, दे, दे, पढ़ ले। ले बेटा पढ़। माँ तू पढ़। अरे भैया और किसी से पढ़वा ले। तू पढ़। अरे पढ़ो ना भैया, इसमें शर्माने की कौन बात है, बिरजू को हिसाब समझना है, पढ़ के समझा दो उसे। काका तू पढ़। बिरजू ये विद्या है विद्या, क्या हम लोगों को पढ़ना आता तो ये दिन थोड़े देखने पड़ते क्या? तो फिर बिना समझाए अंगूठा बना दिए। अरे इस पे तो तेरी दादी का अंगूठा भी बना हुआ है क्या? पंडित जी तुम्हारी गैया मैकू के खेत में घुस गई, वो से कांजी हाउस लिए जा रहा है। कांजी हाउस लिए जा रहा? हाँ। ए बेटी चंद्रा जल्दी आओ, जल्दी आओ, इनको काका काका तक पढ़ाओ, मैं भी जाता। मेरी गैया इसके आगे क्या है? इसके आगे गांव की लड़कियों के घड़े, तेरे पत्थर, कबड्डी, गिल्ली डंडा। 3 बरस के बाद आज पूछने आया है कि ऊ के आगे क्या है, कहाँ था? यही तो था, इमली के पेड़ के पीछे छुपकर रोज तुमको देखता था। छुपकर क्यों? मुझे तुमसे डर तो नहीं, मगर डर सा कुछ लगता है। मेरे सर पे सींग है जो डर लगता है? नहीं तो, तुम तो बहुत अच्छी हो, सारे गांव की लड़कियों से अच्छी हो। तुमने तो इतनी झोपड़ियां पड़ी हैं, और मुझे तो इसके आगे कुछ आया ही नहीं। मुझे बहुत शर्म लगती है तुझसे। आज शर्म नहीं आई? आज भी शर्म आ रही है, पर आज सुखी आया था। मुझे कल सवेरे तक आ से लेकर सुखी की झोपड़ी तक सब झोपड़ियां पढ़ना है। बिरजू तू सुखी लाला की झोपड़ी पढ़ेगा? उसी में तो सबसे कठिन विद्या है ना। उसमें विद्या नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैंने सबको दिखाई है, उसमें भी वैसे ही अक्षर है। चंद्रा 20 बरस से हम सुखी को उसके 5 रुपए चुकाने के लिए अपनी फसल के 3 हिस्से हर बरस देते हैं। उसने हमारी 20 बीघा जमीन भी छीन ली है। मेरी माँ के हाथों से सोने के कंगन उतरवा के उसमें काले तागे बनवा दिए हैं, पर उसकी चोपड़ी की विद्या से उसका कर्जा अब तक हम पर खड़ा है। कितनी जालम विद्या है, ऐसी कैसी विद्या हो सकती है? यही मुझे पढ़ना है, यही मुझे समझना है, यही मुझे समझना है। तो ये समझना है,
अच्छा, ये तेरी दादी की 25 बीघा जमीन, इस पर 500 रुपए उधार लिए। पहली फसल 400 की हुई, 3 हिस्सा सूद दिया, 1 हिस्सा तूने खाया। इसी तरह दूसरी फसल भी 400 की हुई, 300 सूद में दिया और 100 खाया। इसी तरह 20 साल में इतना सूद दिया, उस पर ये जमीन भी सूद में गई और असल 500 अब तक खड़ा है। ये जमीन तो मेरी है, ये मेरी माँ है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। किसान की जिंदगी का चक्कर यूं ही चलता आया है और यूं ही चलता रहेगा। मैं उस चक्कर को रोकूंगा, मैंने बराबर हिसाब पकड़ लिया है। मैं माँ को बताऊंगा, सारे गांव को बताऊंगा, तुम देखना। मैं उससे अपनी जमीन वापस लूंगा, सारे गांव की जमीन वापस लूंगा। सुखी चोर है, मैंने उसकी चोरी पकड़ ली है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। जेक बिरजू, खबरदार मेरे बाबा के लिए ऐसी वैसी बात की। जा, तू अपने बाबू की चुटिया संभाल, अब मैं हजामत बनाऊंगा उसकी। हजामत बनाएगा? ले बना। देख रूपा, मेरे गले ना पड़, अपना रास्ता ले। तेरे बाप का रास्ता क्या? हाथ पकड़ेगा क्या? देख, आधे रास्ते से बारात लौट जाएगी तेरी, चाहे मुझे काला पानी हो जाए तेरे लिए। अरे जा, गीदड़ के नाती, मेरी बारात लौटाने के लिए 12 सर का आदमी चाहिए, 12 सर का। तो ठहर, भागना नहीं। अरे जा भगोड़े के बेटे, धुत। ओ बे, तू कहाँ आ गई बीच में मरने को? देख, मैं तेरी भाभी नहीं हूँ। आज नहीं है तो कल हो जाएगी, रोती क्यों है? तूने मेरे 10 घड़े फोड़ दिए। भाभी एक बात बोलूं? मैं तेरी भाभी नहीं हूँ। मेरी बात तो सुन। बोल। मैंने तेरी और रामू भैया की कुंडली मिलवा ली है पंडित से। झूठा। तेरी कसम, 2 मन जवाब देने का वादा किया है पंडित को। सच? हाँ। क्यों बे? हाँ? तूने फिर खड़ा फोड़ा? तू क्या समझता क्या? मैं कुमार हूँ जो घड़े बनाता हूँ। बिरजू, तू क्यों घड़े फोड़ता है? अच्छा चल, चलो दे मेरी। दे बिरजू, तेरी माँ देख लेगी तो मुसीबत करेगी क्या? बिरजू, बिरजू दे चलम दे, तेरी माँ देख लेगी तो मुझे जान से मार डालेगी बिरजू। अरे राम 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 राम, बिरजू मैं तो तुझसे हार गई, तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? तुझसे कितनी बार कहा है कि इससे छेड़छाड़ मत किया कर, इनकी बहन की जिम्मेवारी मेरे सर पर है, एक बार भी नहीं छोड़ेंगी मेरा। चाची, भाभी से छेड़छाड़ नहीं करूंगा तो क्या तुझसे करूंगा? चल बेशरम, अभी तेरी भाभी हुई कहाँ है? कितनी बार तुमसे कहा है कि इस लड़की को उसके गांव वापस भेज दो? रामू ने देखा है, राधा भौजी ने भी हाँ कर दी है, अब इसका यहाँ क्या काम है? मैंने उसको चिलम नहीं दी थी। कहाँ से आ रही हो स्नान करके? मेरा रास्ता मत रोको। हुआ क्या? जाने दो ना। अरे कुछ बोलो तो, क्या हुआ? अरे कुछ बोलो तो सही। वो छोड़ देना, मैं गांव जा रही हूँ। बिरजू, बिरजू क्या हुआ? बिरजू क्या किया? बिरजू, बिरजू अरे बोलना, क्या किया उसने? डरती क्यों है, बोलना। बिरजू ने, हाँ शर्म आती है मुझे? शर्म छोड़ ना। बोल फिर। तुम्हारे बताने की बात नहीं है, छोड़ ना। चंपा तुझे मेरी कसम, सच? घूंघट नहीं खोलूं, घूंघट नहीं खोलूंगी।
कौन है बे? कौन है बे? चोर चोर मालूम होता है, गोली भर गोली भर गोली भर। कौन है बे? लाला अब 20 मन कपास है, लेनी है। कपास ही है क्या, भूसा तो नहीं भर लाया? देख ले। धीरे बोल, जोखिम का धंधा है, अब कौन तोलेगा, कौन देखेगा, कौन तोलेगा? 50 रुपए ले ले, डाल दे। जा जा, कोई चोरी का माल नहीं है, कपास बेरी है। 5 तोले कंगन की जोड़ी लूंगा, तेरे पास है तो दे दे। बेचारा, बात सुन, बात सुन, इधर आ, बात सुन। कंगन की जोड़ी है, इधर आ। ये 4.5 तोले के सोने के कंगन है, ये 25 रुपए गिन लो। ये सोने के कंगन मेरी माँ पहनेगी। ये कंगन 4.5 तोले के हैं ना? हाँ, 4.5 तोले के हैं। चोरी चकारी का धंधा हमारे यहाँ नहीं होता, लाला सुखी लाल के यहाँ होता है। चल चल, चलो चलो, निकल जाओ। देख लल्लो, अगर इसमें जरा भी खोट निकली तो ये बंदूक तेरे पेट में डाल दूंगा। हाँ हाँ, डाल देना, अंधेरे अंधेरे निकल जा। ए, मेरे रुपए निकाल। रुपये? हाँ हाँ, 25 रुपए। अभी रुपये था। क्या करता, मुझे छोड़, क्या करता, मुझे छोड़। माँ, श्री राम भजो, श्री राम जपो, जीवन बंधन जीवन बंधन। मैं पूछती हूँ तो 2 दिन से कहाँ गायब था, तू मुझसे पूछे बगैर क्यों गया? मैं बहुत नाराज हूँ, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। पर तू बोलता क्यों नहीं कहाँ गया था? माँ मैं यही था, कहीं नहीं गया। ये सूरत क्या बनाई है? माँ, नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे भगवान की लीला देख रहा था। भगवान की लीला देख रहा था? हाँ माँ, वहां एक महान साधु आए हैं, जटाधारी आलक रंजन, इतने लंबे लंबे बाल उनके, और माँ उनकी तपस्या, सारी सारी रात एक कील के ऊपर सर के बल यूं खड़े। अरे अरे, क्या करता है? अरे ओ, 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 सांस तक नहीं लेते माँ। तू सीधा तो महाराज मुझ पे खुश हो गए। हाँ? बोले, फिर जो बच्चा मांग क्या मांगता है? मांगा महाराज, हम कुछ मांगता वांगता नहीं, अगर देता है तो मेरी माँ के लिए सोने के 2 मोटे मोटे कंगन दे दे। आवाज आई, आंख बंद कर बच्चा, तू भी आंख बंद कर माँ। आलख नरंजन, आंखें खोलो माँ। अरे, पर तूने सोने के कंगन क्यों मांगे? तुमने अपने बापू का पता क्यों नहीं पूछा? ये क्यों नहीं कहा कि वो कब आएंगे? चल बेटा चल चल, मुझे अभी ले चल साधु महाराज के पास। माँ, बात ये है कि मैं बापू के बारे में पूछने ही वाला था, कंगन से जू ही मेरी हाथ हटी तो क्या देखता हूँ कि ना वहाँ साधु जी महाराज, ना पीपल का पेड़, ना तू। फिक्र करवा दू, फिक्र ना करवा दू, जू ही साधु जी वापस आएंगे, मैं फौरन तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। हाँ, तुम उनसे मिलना, बापू के बारे में जो कुछ पूछना है पूछ लेना। हाँ माँ, देखो माँ, ये कंगन कितने अच्छे लगते हैं तुमको। ओहो माँ, कंगन कंगन। रामू रामू, देख देख, बिरजू मेरे लिए सच्चे सोने के कंगन लाया है, साधु महाराज की लीला से। माँ, ये साधु महाराज की लीला नहीं, तेरे बिरजू महाराज की लीला है। क्या बोलता है? क्यों बिरजू महाराज, ये लीला भी दिखाना शुरू कर दी? किधर जाता है? अरे अरे अरे, घर में आते ही झगड़ा शुरू कर दिया, आखिर बात क्या है मुझे तो बता। माँ, ये तेरा बिरजू चोर है। मुझसे ऐसी वैसी बात मत कर। चोर! रामू! माँ, मैं चोर हूँ? कोई मेरे सामने तो आके कहे मेरा बिरजू चोर है? नहीं नहीं, तुम्हारा बिरजू तो बड़ा साहूकार है, सोने का कंगन लाकर न पहनाता है तुम्हें। राधा, राधा बहन बोलो। वो तो मैं दिल से मानता हूँ राधा देवी, तो तुम्हारा मुंह देखकर मैंने रपट नहीं लिखाई, नहीं तो 2-2 साखियां मौजूद हैं, सारी फसल चुरा के ले गया है तुम्हारा लड़का, तब ये कंगन पहन के बैठी हो, समझी? ये अंधेर है,
मैं कहता हूँ मेरे हिस्से के सब पैसे सीधे से धर दो, नहीं तो घर भर को बनवा दूंगा। अरे जा जा, लिखा रपट, फसल मेरी थी मैं ले गया, चोर मैं नहीं हूं, चोर है तू। 15 साल से मेरी माँ को ठग रहा है। हाँ हाँ, मैं चोर, मेरा बाप चोर, मेरी मूछ नीची। लेकिन बेटा जी, जब 1.5 लाख की हवेली में चक्की पीसोगे तब मालूम पड़ेगा, समझे? मैं जा रहा हूँ। राधा देवी, फिर पीछे कुछ नहीं कहना। कह रहे लाला, क्या पुलिस कचहरी कुछ नहीं होगी, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। बिरजू तो पागल है लाला। माँ दे दे कंगन। माँ कंगन नहीं उठाएंगे। मुझे चोरी की कंगन पहनाता है, तू चोरी करता है, और फिर मुझे झूठ बोलता है। तूने मुझसे झूठ बोला बिरजू, मुझे नहीं चाहिए तेरे कंगन, मुझे नहीं पहनना तेरे कंगन। छोड़ दे मेरा हाथ, राम मेरा हाथ छुड़ा इसे। छोड़ दे बिरजू। राम तू बिरजू मत बोल, बिरजू छोड़ दे, बिरजू छोड़ दे, बिरजू ये ले, ये भी तेरे बाप के हैं, इनको अपनी बेटी को जहेज में देना। अरे लक्ष्मी है बिरजू, लक्ष्मी है। इन पैसों से अपनी अर्थी उठवाना, गधा है जो आज से काम करे। भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी, लाखों है मैल दिल में थोड़ी सफाई भी। ओ मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी, लाखों है मैल दिल में थोड़ी सफाई भी। थोड़ा सा नेक हूँ थोड़ा बेईमान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, भाई दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना कोई राज है ना सर पे ताज है, फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है। ना कोई राज है ना सर पे ताज है, फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है। तन का गरीब हूँ मन का धनवान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। जीवन का गीत है सुर में ना ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में।
जीवन का गीत है सुर में ना ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है मैं भी हैरान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, ओ दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ये गिल्ली कहाँ जाती है, चलो। जब देखो मेरे रास्ते में, मेरे रास्ते में चल हट, नहीं तो गिल्ली के साथ तू भी उड़ जाएगी। देख तलैया पार जाती है। अब गई तलैया के पार। रूपा ये कंगन मेरी माँ के हैं। होंगे पर अब तो मेरे बाप के हैं। तेरा बाप इज्जत देके कंगन ले गया है, उसको बोल दे पिटारे में बंद करके रखे, नहीं तो कंगन के साथ कुछ और भी ले जाऊंगा। जा जा ले जाइए अपनी किसी सगी को। राधा चाची ये तुम अपने बिरजू को मना कर लो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। अरे कुछ बोल ना, क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? तू बोल, मुझे रोना आ रहा है। चाची हम सब टूटे। मैं बोलती हूँ राधा चाची, हम सब नदी में नहा रही थी, बस एकदम से आकर छेड़ने लगा। क्या किया मेरे बिरजू ने? कभी गिल्ली खींच कर मारता है, कभी पत्थर मारकर गगरी फोड़ देता है। मेरी तो 3 गगरी फोड़ चुका है। मेरी तो 4, मेरी तो 5, मेरी तो 6। चाची मेरी गगरी तो फोड़ता ही नहीं। आने दे आज इसे घर में, मैं इसका सर तोड़ डालूंगी। कहाँ है मेरी लकड़ी? ये ले माँ, कर दे बिरजू के सर के टुकड़े। आज मैं सचमुच इसका सर तोड़ डालूंगी। तुम्हारी पत्नी का मरिया बल। गांव की लड़कियों को छेड़ते हैं, अपनी बहनों को छेड़ते हैं। और सुन तू भी, अगर तूने शरारत की है तो मैं तेरा भी सर तोड़ डालूंगी, समझी? अरे बाप रे, मैं कहाँ औरतों की पंचायत में आ घुसा। माफ ना देवियो, मैं चला। भेजो इधर आ। माँ ये सब क्या है? क्यों रे, तू लड़कियों को छेड़ता है? मैं लड़कियों को छेड़ता हूँ? नहीं माँ। तू नदी पे गया था? नदी पर? मैं तो यहाँ हूँ माँ, कौन बोलता है? मैं बोलती हूँ। मैंने तुझको कब छेड़ा था? छेड़ा नहीं था, सांप से। सांप से बोलती है माँ? बोलती है सांप से छेड़ा था। माँ सांप को कोई पकड़ सकता है? बोलती है सांप से छेड़ा था। छेड़ा था या नहीं छेड़ा था, मगर तूने सांप जरूर पकड़ा होगा। बिज्जू जब तू छोटा था तब भी सांप पकड़ता था, और कल भी तो सांप ढूंढता फिरता था। ये क्या सर पे लेके फिरता रहता है, फेंक नीचे। माँ ये जूते पाँव में कटते हैं। फेंक, मैं बोलती हूँ। देख माँ, नहीं सुन, तूने इसकी बात सुन ली है, अब मेरी बात सुननी पड़ेगी। मेरी बात सुननी पड़ेगी, मैं मुझे तेरी बात नहीं, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगी। देख बिच्छू, नहीं नहीं बिच्छू, मेरी सुन, क्या बोलता है बोल। माँ मैंने इसे नहीं छेड़ा था, ये मुझे छेड़ती है। माँ के सामने बोल दे, मैंने छेड़ा था या तूने? तूने छेड़ा, तूने 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 छेड़ा। माँ देखा, माँ अब तो यकीन आ गया ना कि मैंने नहीं छेड़ा।
थाली में डाल, ले ले जा, ले जा, ले जा, जल्दी कर, जल्दी। माँ, इतना अच्छा खाना बनाया है, इतना अच्छा खाना पकाया है। रामू, देख, देख बोल दे इसको कि मैं इसे बात नहीं करना चाहती। मैं नहीं खाऊंगी खाना, बोल दे इसको। माँ, चार बहुएं लाएगी, तू भी इतना मजेदार खाना नहीं बनेगा। तू चख के तो देख। अरे रामू, मेरा हाथ छुड़ा इससे, इसको बोल मैं बात नहीं करूंगी, मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। अरे मेरा हाथ छुड़ा ना। अच्छा माँ, अब मैं किसी लड़की को नहीं छोड़ूंगा, अब मिट्टी की लड़की को भी नहीं छोड़ूंगा। मान ले बिजू की तरफ से, मैं तो उसे माफी मांगता हूँ। अरे हट, सुन तो सही माँ, मैं सच कहता हूँ माँ, मैं बस 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 रहने दे, बड़ा सत्यवान बन के फिरता रहता है, मैं तेरे भी सब गुण जानती हूँ। रात को छुप छुप कर चंपा से मिलने जाता है, कहता है मेरी गैया बीमार है, शर्म नहीं आती, ब्याह से पहले बात करता है। मैं कली कमला से कहकर उसको गांव वापस भिजवाती। अरे इतना सुन क्यों करती है माँ, बिरजू का गुस्सा मुझ पे क्यों उतारती हो? हाँ माँ, रामू बड़ा चालाक है, उसको इमली के पेड़ के ऊपर चढ़ाकर उसे इमली खिलाता है। रामू, खा ले खाना माँ। इसको बोल दे मुझे छोड़ दे, मैं इसे बात नहीं कर रही हूँ। बिरजू छोड़ दे, और बन जा मुर्गा, जब तक मुर्गा नहीं बनेगा ना माँ माफ करेगी ना खाना खाएगी, बन मुर्गा। देख माँ, बेचारा मुर्गा बन गया, अब तो खा ले। मैं नहीं खाऊंगी। तो मत खा, मुझे तो भूख लगी है, मैं खाता हूँ। छोड़, उसको मुर्गा बनाता है और तुझे भूख लगी है, चल तू भी मुर्गा बन। तुम लोग मुझे बहुत सताते हो, मेरा कोई ख्याल नहीं करता, जाओ मैं खाना नहीं खाऊंगी। माँ, अगर तू खाना नहीं खाएगी तो हम जिंदगी भर मुर्गा बने रहेंगे। अच्छा सीधे हो जा, अभी खा लेती हूँ। बिजू चल माँ खाना खिला। ये ले माँ खा। रामू, इसको बोल दे मेरा झगड़ा भी खत्म नहीं हुआ। बिजू, अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ, बोल दिया माँ। देख बिजू, मैंने उन छोकरियों के सामने तुझे कुछ नहीं कहा, मगर आज कान खोलकर सुन ले, मैं तेरी हर शरारत माफ कर सकती हूँ, मगर ये मरते दम तक नहीं माफ करूंगी कि तू गांव की किसी लड़की की इज्जत आबरू पर हाथ डाले। तेरी और अपनी जान एक कर दूंगी, मुझे बड़ी नफरत है इन सब बातों से। मैं कल सवेरे तुम दोनों के लगन का बंदोबस्त करती हूँ। मगर माँ, कहीं उल्टी सीधी जगह मत चली जाना। मुझे सब मालूम है, सो जा, चल सो जा। तुझे मट्ठा रोटी खिलाती थी, मैंने तो तेरा ब्याह भी रचाया था राधा।
सब ने भी हाँ कर दी थी। अगर रामू तेरे को पसंद नहीं था तो मुझे बोल दिया होता, मैं कोई दूसरा लड़का ढूंढ लेती, पर अपना प्यार तो रचा लेती। चंपा ये तूने क्या कर दिया, चंपा ये तूने क्या कर दिया, चंपा। अरे मैं चंद्रा के हाथ का शरबत पानी पीने नहीं आई हूँ, मैं तो इसको अपने घर ले जाने आई हूँ। जब तुम मेरे घर आओगे तो तुम्हारा शरबत पानी इसके हाथ से कराऊंगी, क्या कहते हो? कितने दिनों से यही बात मेरे मन में थी। तुम तो जानती ही हो कि चंद्रा का घर बार माँ बाप सब भैया में बह गए। इतनी सी थी जब मैं उसको अपने घर लाया हूँ। तुम्हारा लड़का मुझे बहुत पसंद है, मगर सुनने में आया कि शंभू की बहन की लड़की चंपा से उसकी बातचीत। नहीं नहीं नहीं, चंपा की बातचीत तो रामू से पक्की हुई है। इसको तो मैं अपने बिरजू के लिए मांगने आई हूँ। बिरजू के लिए? क्यों, मेरे बिरजू जैसा तो गांव में एक भी छोकरा नहीं है। जरा शरीर है पर अभी उसकी उम्र ही क्या है, पाँव में बेड़ी पड़ते शरारत भी छूट जाएगी। मगर संगत बड़ी खराब है, दिन भर पत्ते रात भर जुआ। देखो मेरा नाम न लेना, सुना है कि सुखी लाला उसको जेल कराने की फिक्र में है, उनकी लड़की से भी छेड़छाड़ करता है, जरा उसको रोकथाम कर। हाँ हाँ, तुम भी गांव वालों की हाँ में हाँ मिलाओ। मेरा बिरजू बुरा है, उसी में खोट है, बाकी सब खरे हैं। मैं तो उसके ब्याह की बात करने आई थी और तुम मेरे ही मुंह पर उसकी बुराई करते हो। देख बिरजू, भेड़िए की तरह मत देख, मुझको डर लगता है। मेरी बात का जवाब दे, क्या छेड़ किया? नहीं नहीं, तू कब छेड़ता, हम ही छेड़ते हैं। कौन बोलता है तू छेड़ता है? ललिता प्रसाद बोलता है। उसने अभी मेरी मां से कहा कि वो चंद्रा की शादी बिरजू से नहीं करेगा। तेरा ब्याह चंद्रा के साथ? राधा चाची गई थी बात करने, तू एकदम ना बोल दिया। बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। तेरी शादी कभी ना हो, किसी से ना हो। बिरजू, इसीलिए तो तुझे कोई लड़की नहीं देता। बोल, तू ही बुरा है, बहुत बुरा है तू। तेरी वजह से बेटी वालों के दरवाजे पे मेरा मुंह काला हुआ, तेरी वजह से मेरी बात गई। अब मैं तेरा ब्याह कभी नहीं करूंगी। मैं रामू का ब्याह करूंगी, उसके बच्चे खिलाऊंगी। तू जिंदगी भर देख कर जलना उसको। रात मैंने विचार किया था कि जब तुमसे मेरा ब्याह हो जाएगा तो मैं बहुत अच्छा बन जाऊंगा। अब मैं ब्याह नहीं करूंगा, अब मैं अच्छा भी नहीं बनूंगा। बिरजू, तेरा ब्याह तो हो चुका है, गांव की जमीन के साथ तूने ब्याह किया है, वही तेरी दुल्हन है। सुखी लाला उसे जबरदस्ती उठा के ले गया, क्या तू उसे छुड़ा के नहीं लाएगा? लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। अच्छा ही हुआ मेरा ब्याह तुम्हारे साथ नहीं हुआ, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, चाहे जीऊं चाहे मरूं। माँ को बेटे के ब्याह का अरमान है, सो रामू का ब्याह करके पूरा हो जाएगा। तुम रामू के ब्याह में आओगी ना? करती चम चुम करती गाड़ी हमरी जाए, पर पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। खटपुट करती चम चुम करती गाड़ी हमरी जाए,
घर पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँ फेरे। दिल खाए हिच कोले गाड़ी ले चल होले होले गाड़ी ले चल होले होले गाड़ी ले चल होले होले। ओ पिनिया मोरी गिर गिर जाए नथनी हाले डोले मोरी नथनी हाले डोले। देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले देख नजर ना लागे रे गोरी काहे मुखड़ा खोले। ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतिया तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतिया। ओ सुने सब लोग वा कटे नाक रे होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाक रे। बार तुझे देखा कितनी बार तुझसे बातें की पर आज तो तू बिल्कुल नहीं जान पड़ती है। अरे इसे फेंक अब छोड़ माँ चूल्हे के पास आ गई है। मैं खेत पे जा रहा हूँ रोटी लेकर जल्दी आ जाना। माँ ने मना किया तो मैं माँ को बोल दूंगा। नहीं नहीं माँ से नहीं बोलना। किसको मारूं? किसको? ऐड करेगी। नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा। चल रोक लो तेरी बारी। छोड़ दे बिरजू, नहीं तो तेरे भैया से कह दूंगी तू जुआ खेलता है। अरे लाला जल्दी ला, क्या लाई आज खाने के लिए? ये क्या? बिरजू खा लिया। बिरजू जुआ खेल रहा है। जुआ? कहाँ वो? अरे रामू भैया आ गया, भागो भागो। ए बिरजू, क्या मैं तेरी जान ले लूँगा।
जरा दम तो ले, पहले मुंह हाथ तो धोआ। धुला हुआ है तो रोटी ले। मालूम तो नहीं होता। हाँ, क्या कहा? तेरा भैया कहाँ है? मुझे क्या मालूम, कहीं गधों को घास खिलाता होगा। तो फिर तू क्यों रोटी मांगता है? तेरा पेट तो भरा होगा। देख भौजी, मुझसे दिल लगी ना कर। बिरजू भैया, कहीं बिल्ली ने रास्ता तो नहीं काट दिया? ये रोटी बनाई है, जाके गैया को डाल। मेरे हाथ की रोटी में मजा नहीं आता, तिलिया लाला के घर से मजेदार बनाने वाली। क्या हुआ? बिरजू ने मुझे थप्पड़ मारा। एक थप्पड़ मारा उसने? तू मुझे दो मार ले। अरे बहू, कितनी बार कहा तुझे, अभी इतना बोझा मत उठा। बहू, 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 मां तू पानी भरने जा रही है, मैं मर गया हूं क्या? चुप, अभी तू चाचा बनने वाला है और घर में पानी नहीं है, जाने दे मुझे। तू भाभी के पास बैठ, मैं पानी भर के लाता हूँ। तू कुएं पे पानी भरने जाएगा? तू क्या हुआ? तो छोकरियां क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? शर्म नहीं आएगी तुझे? चल। रामू के बापू, मैं दादी बन गई। अपने पोते को देखने नहीं आऊंगी।
से मोरा मनवा। बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा दे मोरे अंगनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोरे सजनवा। तोरे कारण घर से आई तोरे कारण हो, तोरे कारण घर से आई हूँ निकल के, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कनाई रंग झल के, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे आई रे होली आई रे। मोहे भाई ना हर जाई मोहे भाई ना, मोहे भाई ना हर जाई रंग हलके, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कनाई रंग झलके, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कनाई रंग झलके, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे आई रे होली आई। होली घर आई तू भी आजा मुरारी, तू आजा मुरारी, मन ही मन राधा रोए बिरहा की मारी। काहे छोड़ी रे कलाई काहे छोड़ी रे, काहे छोड़ी रे कलाई संग चल के, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कनाई रंग चल के, मैं इसे जान से मार डालूंगी।
तेरा इंसाफ नहीं है माँ, तू एक को देखती है दूसरे को नहीं देखती। ये छोकरी भी कुछ कम नहीं है माँ, ये जितनी जमीन के ऊपर है उतनी जमीन के नीचे है। मेरा भरोसा नहीं, तुम गाँव की छोकरी से पूछ। माँ माँ, मेरी शादी करो बिरजू इसको ओढ़नी देकर अपनी बहन बनाना चाहता था, पूछ इससे क्यों नहीं ली इसे। बड़ा आया ओढ़नी देने वाला, फटी पुरानी ओढ़नी कौन लेता। चुप, सुन लिया माँ? हाँ माँ, बिरजू से कहता था मुझसे रंग मत खेल, मुझसे रंग मत खेल, पर ये बार बार उस पर रंग डाल रही थी और कंगन चमका चमका के बिरजू को गुस्सा दिला रही थी। तुम नहीं जानती हो माँ, बिरजू के लिए इसके मन में खोट है ये छोकरी। पर मैं पूछता हूँ कि किस लड़की का रास्ता नहीं रोका बिरजू ने, कौन सी लड़की के पानी भरते गगरी नहीं फोड़ा बिरजू ने, बोलो। तुम सबकी बहू बेटियों के मन में भी खोट है क्या? गंगा कसम आज तक मैंने तो नहीं देखा कि इस गांव में किसी ने किसी को बुरी नजर से ताका। लाला मेरा मुंह मत खुलवा, ये बिरजू का कसूर नहीं है, तेरे पाप तेरे सामने आ रहे हैं। शंभू रोके अपनी औरत को, मर्दों से जबान लड़ाती है। तू चुप रे, क्या खत्म करो झगड़ा। पहले तो इसको भंग पिला दी, फिर सारा गाँव उस पर लाठी लेकर चलाया। चल बिरजू, उठ उठ, पकड़ पाओ लाला के और मांग माफी लाला से। हाँ चल, पकड़ पाओ लाला के। पांव नहीं गर्दन पकड़ूंगा लाला, मेरी माँ के कंगन कोई नहीं पहन सकता। लौटा दे कंगन, लौटा दे, नहीं तो कंगन का साथ तेरी बेटी भी ले जाऊंगा। अरे बेटा, बड़ा अरमान है माँ को कंगन पहनाने का, तो मुझसे बोल, मैं पहना दूँ तेरी माँ को कंगन। अब ये इस गांव में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता इस गांव में। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा ना करो। गांव वालों तुम लोग बोलो, ये गांव में रह सकता है? अरे इतना तो अरे अब मेरी जान भी खतरे में है, मुंह क्या देखते हो, उठा के फेंक दो गांव के बाहर। बहुत हुआ, बहुत हुआ, ले जाओ। इसे गांव के बाहर मत निकालो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। इतना तो मार लिया, इतना तो जुलूम कर लिया, एक दफा माफ कर दो, बस मेरे कहने से एक दफा माफ कर दो। राधा, अब ये छोकरा तुम्हारे बस का नहीं है, इसकी जिम्मेदारी मत लो तुम। ये सुंदर चाची की पीढ़ी भर का मुंह काला करेगा और गांव में तुम्हारी भी इज्जत जाती रहेगी। नहीं नहीं, अब ये कुछ नहीं करेगा, अब ये कुछ नहीं करेगा, अब ये किसी को भी नजर उठाकर नहीं देखेगा। अगर इसने किसी लड़की को छेड़ा तो मैं इसकी जान ले लूंगी। मैं तुम लोगों को वचन देती हूँ, अब ये कुछ नहीं करेगा, मैं इसकी कसम खाकर कहती हूँ। एक दफा माफ कर दो, मेरे कहने से एक दफा माफ कर दो, अब ये कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं करेगा। अब जो घर से बाहर पैर निकाला तो हड्डी मछली तोड़ कर रखूंगा, समझे? मैं कहता हूँ कि मुझसे पूछे बिना ये कंगन कैसे लग गई? क्यों लग गई? अच्छे लगते हैं। मंगलुआ, मंगलुआ, तू जाके साकरचंद से पूछ क्यों बारात लेकर कब आता है, मुझे बहुत जल्दी है, जाओ। मगर बापू, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। जला सिंह, मुझे गोली मार दे, मुझे गोली मार दे।
क्या छुपाया तूने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। दिखा मुझको। देखना चाहती है? ये बंदूक है, मैं चुरा के लाया हूं। सुखी लाला को जान से मार डालूंगा। तू उसको मारेगा तो तेरा क्या होगा बिरजू? मुझे इसकी फिक्र नहीं, फांसी होगी हो जाए। सुखी के आदमी अपनी लाठियों से मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, कर दे। अपनी बंदूक को समझे मार देंगे, मार दे। उनके पास जितनी गोलियां मेरे सीने में चबा दे, मैं खुश हूं। पर मैं सुखी लाला को जान से मार डालूंगा। नहीं बिरजू, नहीं मेरे लाल, ये बंदूक फेंक दे बिरजू। मैंने कितने दुख उठाकर तुझे पाला, तुझे नहीं मालूम, तुझे नहीं मालूम, तुझे नहीं मालूम बिरजू, मैंने कितनी मुसीबतें झेल कर तुझे जवान किया। बिरजू तुझे, तुझे अपनी माँ का जरा भी ध्यान नहीं है। मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी बिरजू? मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, मेरे बच्चे मैं नहीं रह सकती। तू मुझसे अपने मरने की बातें करता है, तो मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर। माँ, ये मुसीबतें कभी खत्म नहीं होंगी जब तक कि सुखी लाला नहीं मरेगा। तू मेरे मरने से मरता है, एक बिरजू मर गया तो क्या होगा? मेरे मरने से गांव की औरतों के सरों पर रोड़ियां आ जाएंगी, किसानों के घर में अनाज आ जाएगा, उनके चूल्हे जलने लगेंगे, भूख का राज खत्म हो जाएगा तेरे बिरजू के मर जाने से। चढ़ा दे भेंट अपने दो बेटों में से एक को, सारे गाँव के दिन बदल जाएंगे। नहीं बिरजू, बंदूक से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बंदूक से, बंदूक से तू गांव की औरतों के सर नहीं ठग सकता, बंदूक से उनके घर में अनाज नहीं आएगा, बंदूक से उनके चूल्हे भी नहीं जलेंगे बिरजू। मुझे देख, मुझे देख, मैंने 5 बीघा जमीन से आज आज तुझको और रामू को जवान किया है। उस वक्त हमारे पास खाना भी नहीं था, मैं अकेली थी, आज हम 3 तीन हैं, हमारे पास खाना है, हल है, बैल है। हिम्मत मत हार बेटा, हिम्मत मत हार, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, भगवान हमारे दिन बदल देगा, सारे गांव के दिन बदल देगा। छोड़, नहीं बिरजू, छोड़ दो मुझे। नहीं बिरजू, मैं नहीं जाने दूंगी, बिरजू नहीं, नहीं बिरजू, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, नहीं बिरजू, रामू, रामू, रामू छोड़ा मुझे, रामू, बिरजू, रामू, इसे बंदूक छोड़ा, ये बंदूक चुरा के लाया, छोड़ दो बिरजू, तोड़ दे। We'll be right back.
छोड़ मुझे। बिरजू मेरे नाल मत जा, बिरजू मत जा, बिरजू रामू रामू बहू बहू Yeah!
बिरजू 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 राधा बहन, ओ राधा बहन। अरे देवी को बहन नहीं, माँ कहकर पुकारो। माँ कहकर पुकारता हूँ, माँ, ओ मेरी माँ, बिरजू आ रहा है बिरजू। कहाँ मेरा बिरजू? कहाँ? बिरजू, 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 कहाँ मेरा बिरजू? माँ, तुम्हारे बिरजू ने चिट्ठी भेजी है राधा बहन, मेरी रूपा को लगन मंडप से उठाने आ रहा है और दरवाजे पर बारात रुकी हुई है। तुम्हारे सिवा उसे कोई नहीं रोक सकता राधा बहन। मैं आज तुमसे अपनी इज्जत की भीख मांगता हूँ राधा बहन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ राधा बहन, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। मैंने तुझे माफ किया लाला, मैंने तुझे माफ किया। इसको माफ कर रही है माँ, ये हमारा दुश्मन है। बिरजू जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है। रूपा लाला की ही बेटी नहीं, अरे गाँव की बेटी। रूपा मेरी इज्जत है, तेरी इज्जत है, सारे गांव की इज्जत है। लाला, रूपा का लगन करो, मैं जिम्मेवार हूं। मेरा बिरजू ऐसा नहीं करेगा, मेरा बिरजू ऐसा नहीं करेगा। रामू, मेरी लकड़ी लाओ। देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। मेरी माँ के कंगन ला। वो तो मैंने बहुत संभाल कर रखे बेटा, तू कहीं जाना नहीं है, मैं चाबी लेके अभी आता हूँ। अरे तू क्या करता है बेटा, मैं चाबी लेने जा रहा हूँ ना। अरे तू क्या करता है बेटा, मैं बुढ़ा हो गया। आए, 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 अभी तक तेरी बचपन की शरारत गई नहीं है, वही सही नटखट है। बैठ जा भैया, थक गए होगे। बिरजू तो भूल गया, वो खलियान में मेरी छतरी लेके भागा था, मैं पीछे पीछे दे दे बिरजू, दे दे बिरजू, मगर काहे को बिरजू। देख लो भैया, वैसे ही चमाचम रखे। जो भैया सब हिसाब गड़बड़ हो जाएगा, इसका माल उसके घर और उसका माल इसके घर पहुंच जाएगा। अरे नहीं नहीं बिरजू बेटा, अरे विद्या बेटा,
बड़ा बाप बनेगा बेटा। मैंने तेरी सारी विद्या सीख ली है, इसी विद्या से तूने हमारी फसल के तीन हिस्से सूद में लिए और हमें फाके दिए, इसी विद्या से तूने हमारी जमीन छीन ली, हमारे बैल छीन लिए, हमारा बाप छीन लिया, मेरी माँ के हाथों में काले तागे बना लिए। एक शेर चावल के बदले एक बीघा जमीन, एक मुट्ठी चने लेकर एक औरत की लाज का सदा कराया था। बेटा वो चने तो मैं तेरे लिए लेकर आया था। मुझे सब याद है सुखी, मुझे सब याद है। मैं एक एक चीज का बदला लूंगा, तू भी डाकू मैं भी डाकू, मुझे कानून नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बिरजू तेरा झगड़ा सुखी से था, सुखी खत्म हो गया। हट जा मेरे पीछे। बिरजू माँ ने गांव वालों को जबान दी, मैं माँ की जबान पे मर जाऊंगा, रूपा को हाथ नहीं लगाने दूंगा। माँ को तेरी जरूरत है, मैंने कसम खाई है माँ की, मैं रूपा को नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे नहीं मार सकती, तू मेरी माँ है। मैं एक औरत हूँ। मैं तेरा बेटा हूँ। रूपा सारे गांव की बेटी है, वो मेरी लाज है। बिरजू मैं बेटा दे सकती हूँ, लाज नहीं दे सकती। तू मार सकती है तो मार, मैं भी अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा। Bitch!